बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक्टर को यह अवार्ड 8 अक्टूबर 2024 को 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान प्रेजेंट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्टर को यह सम्मान दिए जाने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोलकाता की सड़कों से सिनेमा की दुनिया में ऊंचाई छूने तक मिथुन दा की सिनेमाई जर्नी ने हर जनरेशन को इंस्पायर किया है। मैं ये ऐलान करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि दादा साहेब फाल्के सिलेक्शन जूरी ने मिथुन चक्रवर्ती को इंडियन सिनेमा में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित करने का फैसला किया है। मिथुन की फिल्म इंडस्ट्री में जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है। उनकी हिट फिल्मों में डिस्को डांसर अग्निपथ शामिल है। कोलकाता में जन्मे मिशुन पेशे से एक्टर, प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन है। एक्टर 350 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए हैं। इनमें हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी मूवी शामिल है। साल 1977 में फिल्म मिर्गिया से मिथुन ने एक्टिंग डेब्यू किया था। पहली ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। अपने करियर की शुरुआत में वो छोटे रोल्स में नजर आए थे। दो अनजाने फूल खिले हैं, गुलशन, गुलशन में मिथुन ने कम स्क्रीन स्पेस में काम किया। फिर 1979 में आई लो बजट फिल्म सुरक्षा ने उन्हें फेम दिलाने में काफी मदद की। पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्टर ने 1979 में एक्ट्रेस हेलेना ल्यूकस के साथ शादी की, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ 4 महीने तक चला। तलाक के बाद मिथुन की जिंदगी में एक्ट्रेस योगिता बाली आई। दोनों ने शादी की, उनके 4 बच्चे हैं, मिमू, निमाशी, उष्मे। कपल ने एक बेटी दिशानी चक्रवर्ती को गोद भी लिया था।